नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकती हैं या शाम की छोटी छोटी भूख में। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही कम ऑयल में बनता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ओट्स का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, आज हम ओट्स का उत्पम बनाएंगे। तो एक कप ओट्स लिया है, यहाँ मैंने डिसानो ब्रांड का ओट्स लिया है जो कि 100% होल ग्रेन है और ये इंस्टेंट ओट्स है। तो एक कप ओट्स है, इसे सबसे पहले हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ आधा कप सूजी यानी सेमोलिना। तो सूजी यहाँ पर मोटी या पतली कोई भी आप ले सकते हैं। एक चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर या स्वाद के अनुसार डालें। चौथाई कप में डाल रही हूँ दही। दही हल्का सा खट्टा है, इसमें डाल देंगे आधे से पौना कटोरी यानी 3/4 कप मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को मिलाकर हमें इसे पीस लेना है, यानी इसका एक पेस्ट सा बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर लीजिएगा। और इसकी जो कंसिस्टेंसी हो वो देखिए कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा या मीठा सोडा। अगर सोडा ना हो तो आप इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने एक तवा गरम करने रख दिया था, इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को अच्छे से पूरे तवे पे हम फैला देंगे। आप चाहें तो टिश्यू पेपर से इसे फैला दें। एक करछी भर के बैटर हम इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे। आप चाहें तो उत्तपम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। यहाँ कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, तो मैंने सिंपल प्याज टमाटर शिमला मिर्च लिया है जो हर वक्त हमारे घर में अवेलेबल होता है, ये हम इस पर डाल देंगे। सब्जियाँ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या अवेलेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हैं। सब्जियाँ डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, यानी एक चुटकी में नमक डाल दूंगी ताकि सब्जियों में भी हल्का नमकीन टेस्ट आ जाए। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो बस 1 से 1.5 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली आप इसे पलट दें। और ध्यान रखिएगा ये जो उत्तपम है वो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइएगा ताकि वो अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक सके। आप चाहें तो इस स्टेज पे एक बार वापस हल्का सा ऑयल इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नॉनस्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। आप देख सकते हैं सब्जियाँ भी हमारी बढ़िया से कुक हो गई हैं। दूसरी तरफ से मैं 1 मिनट और पका ले रही हूँ और बस ये तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा झटपट बनने वाला हेल्दी और टेस्टी ओट्स उत्पम रेडी है। इसे आप अपनी पसंद की चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर सांभर नारियल की चटनी किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आपने देखा ही कितनी झटपट ये बन गया, मतलब 10 से 15 मिनट में सारा नाश्ता आपके पूरे परिवार का बन करके तैयार हो जाएगा। और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, नीचे से कुरकुरा है, बाकी बहुत ही सॉफ्ट ये बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आगे से हमेशा जब आप उत्तपम खाएंगे तो इसी तरीके का बना के खाएंगे, और ओट्स की वजह से ये बहुत हेल्दी भी हो गया। तो बस आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपका फीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।